कौन थे नवल किशोर जिन्होंने भारत को दी पहली प्रिंटिंग प्रेस? क्या है उनका आजादी से नाता? अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए देश में तरह तरह के आंदोलन चल रहे थे, जगह जगह पर रैलियां निकाली जा रही थी, आजादी के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच परेशानी ये थी कि आंदोलनकारियों की मुहिम आम लोगों तक पहुंचने में काफी वक्त लग रहा था। साथ ही जैसा मैसेज जाना चाहिए था वैसा न जाकर कुछ और पहुंच रहा था। ऐसे में एक शख्स था जिसने बिना किसी आजादी की लड़ाई में कूदे और बिना कोई मसाल हाथ में लिए ऐसा कारनामा कर दिया जिसने आजादी के दीवानों में लगी देश प्रेम की चिंगारी को शोला बना दिया। दरअसल 1857 का गदर विफल होने के बाद भारतीय मायूस थे और मन अशांत, हौसला टूट चुका था और हार स्वीकार कर ली। ऐसे में संपन्न घराने से ताल्लुक रखने वाले मुंशी नवल किशोर ने उनमें आत्मविश्वास जगाने और हताशा से बाहर निकलने के लिए पुस्तकों का प्रकाशन शुरू किया। इसके लिए लखनऊ के वजीरगंज में उत्तर भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस यानी मुंशी नवल किशोर प्रेस की स्थापना की। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी धर्म की पुस्तकें छापनी शुरू की। बेहद सस्ती दरों पर रामायण, कुरान, बाइबल व गुरु ग्रंथ साहिब समेत तमाम पुस्तकों का हिंदी व उर्दू में अनुवाद कराकर आम जनमानस तक पहुंची। इतना ही नहीं, जरूरतमंदों तक मुफ्त किताबें भी पहुंचाई गई। इससे उनकी ख्याति एशिया से लेकर यूरोप तक हो गई। उनकी प्रेरणा से देश भर में 37 पुस्तकालय खुले। इस प्रेस से प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को 2000 पुस्तकें दान मिली। एक समय से भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी प्रेस बन गई। वैसे तो भारत में प्रिंटिंग का इतिहास 1556 में शुरू होता है, जबकि पुर्तगाल से ईसाई मशीनरी ने गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। इस प्रेस ने 1877 में एक पुर्तगाली किताब का तमिल अनुवाद छापा था। पहली बार तब कोई चीज भारतीय भाषा में प्रिंट हुई थी। लेकिन उसके बाद अगले 200 सालों तक भारत में किसी भारतीय ने प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया में कदम नहीं रखा था। हालांकि यूरोप से व्यापारी भी भारत आकर कारोबार जमाने लगे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आकर टिक चुकी थी। दक्षिण में हॉलैंड और फ्रांस अपने उपनिवेशक बनाने की होड़ में थे। मुगल दरबार में तब किताब हाथ से कैलीग्राफी करके ज्यादा लिखी जाती थी। आपको बता दें कि मुंशी नवल किशोर का जन्म 3 जनवरी 1836 को सासनी यानी तब के अलीगढ़ के ब्राह्मण यानी भार्गव परिवार में हुआ। बचपन से ही पत्रकारिता और व्यापार में रुचि थी। पिता का नाम पंडित यमुना प्रसाद भार्गव और माँ का यशोदा देवी था। पिता सासनी के संपन्न जमींदार थे, दादा पंडित बाल मुकुंद संस्कृत के विद्वान। सासनी में आज भी भार्गव परिवार की ख्याति मथुरा के गांव रेहड़ा में उनकी ननिहाल थी। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म ननिहाल में हुआ था। शुरुआती दिन ननिहाल में बीते। 6 साल की उम्र में सासनी आ गए। हिंदी, उर्दू व फारसी की शिक्षा ली। अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए पिता ने आगरा भेज दिया। छात्र जीवन से पत्रकारिता में रुचि हो गई और उर्दू अखबारों में लिखना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में सरस्वती देवी से उनका विवाह हो गया। कहा जाता है कि बाद में बेगम साहिबा नामक मुस्लिम महिला से भी उन्होंने शादी की। 1854 में लाहौर जाकर कोहिनूर नामक अखबार में नौकरी की। नौकरी के बाद कोहिनूर के संपादक मुंशी हरसुख राय के साथ काम करते हुए पंडित नवल किशोर से मुंशी नवल किशोर हो गए। यह अखबार व छापे खाने के कारोबार को समझा। 1856 में आगरा लौटकर साप्ताहिक अखबार सफीरे आगरा शुरू किया। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ गदर शुरू हो गया। ऐसे में छोटे अखबार का जिंदा रहना संभव नहीं था। जानकार बताते हैं कि 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने कुचल दिया। तमाम धार्मिक ग्रंथ और अन्य पुस्तकें नष्ट हो गई। एक पत्रकार होने के नाते उन्हें भारतीयों की आंतरिक पीड़ा का भी एहसास था। ऐसे में आगरा से काम समेटकर लखनऊ पहुंच गए। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को किताबों में समेटने का प्रण दिया। पहले अखबार ए अवध शुरू किया। 23 नवंबर 1958 को नवल किशोर प्रेस की स्थापना की गई। इसमें हर भाषा के लेखकों की किताबें छापी। बाद में ये प्रेस हजरतगंज में स्थापित हुई। इसमें प्राचीन, ऐतिहासिक व धार्मिक किताबों को हिंदी व उर्दू में प्रकाशित किया। उनकी प्रेस में छपी स्त्री सुबोधनी, रामायण, सूरसागर समेत तमाम किताबें आज भी दिखाई दी जाती हैं। कुरान और हसीद समेत
कई अहम इस्लामिक किताबें छापी और 19 फरवरी 1895 में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।